आज हम आपके बारे में वह जानकारी आपको बताएंगे जिससे आपके बारे में जानना आपके लिए एक बहुत आसान हो जाएगा और जिसे जानने के बाद आप कभी भूलेंगे भी नहीं कि आग क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। आप सभी ने देखा होगा कि आपके स्कूलों में, मॉलों में और बैंकों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। क्या होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, कितने टाइप के होते हैं? ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और बीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। पहले आपको मालूम होना चाहिए क्लास ऑफ फायर क्या है। क्लास ऑफ फायर आग कितने प्रकार की है, ए बी सी और डी। आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर में ए बी सी लिखा होता है। ए का मतलब सॉलिड फायर, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक की आग। बी का मतलब लिक्विड फायर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि। सी का मतलब इलेक्ट्रिक फायर एक्सटिंग्विशर, इलेक्ट्रिक फायर और गैस फायर। गैस का मतलब एलपीजी, एथेन, मीथेन। डी का क्या मतलब, डी मतलब मेटल फायर। मेटल मतलब एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, फास्फोरस इत्यादि। अब इसे याद रखने का एक आसान तरीका वह क्या है, गोयम, जी ओ ई एम, गोयम फॉर्मूला क्या है। अब आप कैसे याद रखेंगे गोयम फॉर्मूला से, जी से क्या होता है, जी मतलब जनरल, ओ मतलब ऑयल, ई मतलब इलेक्ट्रिक और एम मतलब मेटल। अब इसको आपने देखा होगा ए बी सी डी, इस पर कन्वर्ट करते हैं। जी से ए मिल जाए, जनरल से ए मिल जाए, ओ से बी मिल जाए ऑयल, ई से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से सी मिल जाए और एम मेटल, मेटल से डी मिल जाए। एम मेटल, मेटल से डी मिल जाए। अगर आपको ए बी सी डी को आप भूल जाते हैं तो आपको दिमाग में यह रखना है कि कौन से क्लास में कौन सा फायर यूज होता है, जो आपको गोयम याद रखना है। गोयम, जी का मतलब ए, ओ का मतलब बी, सी, ई का मतलब सी, एम का मतलब डी। इससे आप आसानी से याद रख पाएंगे कि कहीं पे भी आपको अगर ए बी सी डी लिखा मिल जाए तो आपको याद रखना है गोयम। ए का मतलब जी, बी का मतलब ओ, सी का मतलब ई, डी का मतलब मेटल एम। इस तरह से आप आसानी से सीख पाएंगे।